इंडियन प्रीमियर लीग का कल चौथा मैच खेला गया राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में, और जिसमें कि राजस्थान रॉयल्स को 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पहले कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, तो उधर से पंजाब किंग्स की तरफ से आई ओपनिंग पेयर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने काफ़ी तेज शुरुआत की, लेकिन जब स्कोर 24 रन ही बना था तभी मयंक अग्रवाल जल्द ही आउट हो गए। फिर उसके बाद आए क्रिस गेल ने काफ़ी तूफानी अंदाज में बैटिंग की और मात्र 28 गेंदों में 40 रन बनाए। उसके बाद क्रिस गेल भी आउट हो गए। क्रिस गेल के आउट होने के बाद आए दीपक हुड्डा ने और भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी किया और काफ़ी ज़्यादा, मतलब लगभग 6 छक्के मारे और मात्र 28 गेंदों में 64 रन बना दिए। और उधर केएल राहुल ने भी 91 रन बनाए मात्र 50 गेंदों में, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और मैच के लास्ट ओवर में केएल राहुल आउट हो गए और उन्होंने शतक पूरा नहीं कर पाए और पंजाब किंग्स ने 221 रन पे 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में बनाए। 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम्स को शुरुआती ओवर में ही बेन स्टोक्स का विकेट गंवाना पड़ा। बेन स्टोक्स मात्र 0 रन पर आउट हो गए, वो भी मोहम्मद शमी के पहले ही ओवर में। उसके बाद आए कैप्टन संजू सैमसन ने मनन वोहरा के साथ थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड की, लेकिन जब ऐसा लग ही रहा था कि दोनों में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप होगी, उसी बीच अर्शदीप सिंह ने मनन वोहरा को 12 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। उसके बाद आए विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर ने एक ही ओवर में 4 चौके लगाए, लेकिन उसके बाद जॉस बटलर भी रिचर्डसन के यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। जॉस बटलर के आउट होने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने शिवम दुबे को एज अ पिच हिटर भेजा, लेकिन वो भी 15 गेंद पे मात्र 23 रन ही बना पाए और पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद आए रियान पराग ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, काफ़ी तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन वो भी शमी के शिकार बन गए। मैच जब लग रहा था कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने वाला है, क्योंकि संजू सैमसन एक तरफ से टिके हुए थे और वो शतक बना चुके थे, ये मैच लास्ट तक चला और लास्ट ओवर में राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए चाहिए थे 13 रन, लेकिन राजस्थान रॉयल्स 4 रन से हार गया ये मैच। अब हम देख लेते हैं दोनों टीमों के मैच समरी।